उत्तर प्रदेश के हसनपुर में पशु व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर लूटे 50,000। बताते चलें कि मामला सैड नगली थाना अंतर्गत गांव कथना मठना मार्ग के समीप हसनगढ़ का है, जहां पर बदमाशों द्वारा लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि थाना सैड नगली क्षेत्र के गांव हरियाणा निवासी इकरार पुत्र मोहम्मद सईद, सद्दाम पुत्र इकरार, दोनों पिता पुत्र ढका निवासी मुरसलीन के जुगाड़ू से मनौटा के बाजार में भैंस लादकर बेचने के लिए लेकर गए थे, जहां उन्होंने 50,000 रुपए की एक भैंस बेची थी। 50,000 की रकम लेकर आज दोपहर 12 बजे जब दोनों पिता पुत्र जुगाड़ू से अपने गांव को वापस आ रहे थे, तो कथना मठना के पास हसनगढ़ मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने जुगाड़ू को रोक लिया और इकरार से 50,000 की रकम मांगने लगे। दोनों पिता पुत्र द्वारा आनाकानी करने पर बदमाशों ने एक साथ दोनों पिता पुत्रों पर फायर झोंक दिया, जिससे इकरार की मौके पर ही मौत हो गई तथा पुत्र सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश ने दोनों की तलाशी लेते हुए भैंस की बिक्री कर लाए गए 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दोनों को हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इकरार को मृत घोषित किया तथा गंभीर हालत देखते हुए सद्दाम को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। आगे खुला आतंक चल रहा है बदमाशों का, बदमाशों पर कोई वो नहीं है, पुलिस का कोई शिकंजा नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। और अभी तक हमें प्रशासन से ये शिकायत है कि अभी तक कोई हमें इस तरह की रिपोर्ट नहीं हो रही कि फला जगह टीम भेज दी, हमने फला जगह नहीं भेज दी, जो लोग संदिग्ध हैं क्षेत्र के अंदर इस तरह के बदमाश उन पर ट्राई करी जाए। सद्दाम, ये दोनों लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये मथना पेड़ में वो मनोटा पुल पे जो पेड़ लगती है उस पर अपनी भैंस बेच के 52,000 रुपए लेके आ रहे थे। इनके साथ जुगाड़ में और भी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोग आए, उनके उस पर ठड़ा फंसा हुआ था और उन्होंने 52,000 रुपए जो चला था उसको छीना। इसका प्रयास में जब विरोध किया गया तो उनके द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें इकरार की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और सद्दाम की गोली लगी, जिनको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। ये गंभीर घटना है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी से टीम लगा के इसको वर्कआउट करने के पूरे प्रयास किए। घटना घटित होने के काफी देर बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब मतलब जो जानते आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं, इसकी हम जानकारी करेंगे कोई कौन कहाँ पे था और उसको वहाँ तक आने में कितना समय लगना चाहिए था, क्या उसके द्वारा अनावश्यक विलंब की गई है। अगर समर इंडिया के लिए हसनपुर से सूरज पाल सिंह की रिपोर्ट। अभी चैनल सब्सक्राइब करें समर इंडिया। आखिर क्यों गिर गया है इतना शिक्षा का स्तर? कहीं इसके जिम्मेदार आप तो नहीं? पूर्व विधायक अशफाक अली खान एडवोकेट का शिक्षा का स्तर गिरते हुए पर बयान आपकी आंखें खोल देगा। समर इंडिया गजरवाला सपा सरकार रहे पूर्व विधायक अशफाक अली खान एडवोकेट से जब समर इंडिया के संवाददाता भरत सिंह की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई तो विधायक ने कुछ इस तरह बताते हुए कहा कि शिक्षा देश की रीढ़ है और शिक्षा का स्तर अगर गिर जाएगा तो हमारा देश काफी पीछे पहुंच जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या शिक्षा के नाम पर देश में सरकार 12 अरबों रुपए की धनराशि खर्च करने के बावजूद भी सरकार विफल सी नजर आ रही है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की संख्या काफी अधिक और सैलरी काफी अधिक है, लेकिन जहाँ तक बात प्राथमिक विद्यालय की आती है तो वहाँ पर गरीब बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, अमीर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते देखे जाते हैं। अगर हमारे देश की सरकार को यह द्वेष भावना को खत्म करना ही होगी तभी शिक्षा का स्तर शिखर पर पहुँच सकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति का और खासतौर से उत्तर प्रदेश का एक वक्त सभी की जानकारी के लिए है जब बड़ी अफसरशाही बड़ी अहदेदारी गांव से निकल कर जाती थी और प्राइमरी पाठशाला से बढ़कर लोग वहां तक जाते थे। आज का वक्त है प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है और एडेड है, बड़ी तनख्वाहें हैं, कई मास्टर लगे होते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो ये आया है कि अब गुरुजी मास्टर साहब हो गए हैं। जो मोहब्बत और खलूस अपने छात्र के साथ मास्टर साहब रखते थे उसमें कमी आई है। सरकार इसके लिए चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो पूर्णतः जिम्मेदार है। हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षा के मामले में कोई बात होती है तो उसमें शिक्षा समान कर दी जाए। बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, सालाना फीस किसी स्कूल की 3 लाख है, किसी की 4 लाख है। गरीब आदमी ना तो 3 लाख तक जा सकता है ना 4 लाख तक जा सकता है। आप महसूस करेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों की फीस एक स्कूल में कम से कम, जो साधारणता पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है,
60 से 70 हज़ार रुपये कम से कम, वाहन का खर्चा अलग, ट्यूशन का अलग, एक गरीब आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है। प्राइमरी स्कूल की तरफ मुँह करेंगे तो वहाँ पर गरीब छात्र नजर आएंगे, सरकार की दू हुई ड्रेस पहनते हुए नजर आएंगे, दोपहर में मिड डे मील खाते हुए नजर आएंगे, और एक तरफ प्रदेश में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो खाई तो उसी वक्त हुकूमत ने पैदा कर दी कि जिस वक्त गरीब का बच्चा स्कूल जाएगा वो गरीब कहलाएगा, और एक पब्लिक स्कूल में जाएगा तो वो मालदार कहलाएगा। समर इंडिया के लिए गाजरवाला से भरत सिंह की रिपोर्ट।